हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं श्वेता स्वागत कर रही हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत 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 स्वागत है जी। और कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करी कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं आज सुबह से कुछ ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि आपको पता ही है मेरा मन बिल्कुल खुश नहीं है अपने व्यूज़ देख के अपने मैं क्या बोलूँ। चलो, इसके लिए कोई बात नहीं है जी। आप लोग की सपोर्ट प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो कभी ज़रूर हमारा 50 से 5 हज़ार व्यूज भी आने लगेगा। खैर, कोई नहीं। तो आज मैं सोच रही थी आप लोग को कुछ अलग किचन में ले चलूँ और कुछ अलग बना के आप लोग को दिखाऊं। तो आज मैं आप लोग को किचन में ना बहुत ही बेहतरीन प्याज की पकौड़ी बना के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे बिहार में ना प्याज की पकौड़ी जो होती है ना, वो हम लोग बनाते हैं जैसे छोटा छोटा प्याज को मतलब काट के क्रश करके और उसे बेसन वगैरह डाल के ऐसे गोल गोल, जैसे क्या बोलूँ उसको, ऐसे मतलब चकड़ी टाइप के ऐसे गोल गोल करके हम लोग छानते हैं। लेकिन यहाँ उड़ीसा में जब हम लोग लाते हैं ना मार्केट से खरीद के, तो यहाँ मतलब एक एक जावा जावा छिटकाया हुआ रहता है, तो वो काफ़ी टेस्टी क्रंची क्रंची लगता है। तो मैं आज सोची उसी टाइप से मैं भी बनाऊंगी और आप लोग के साथ फुल रेसिपी के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी ट्राई करना, वो काफ़ी अच्छा तरीके से मतलब अच्छा लगता है खाने में। मैं तो 2-3 बार बना चुकी हूँ, तो मैं सोची कि मैं आपके साथ भी थोड़ा आज रेसिपी शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग भी ट्राई करें और ज़रूर बना के खाइएगा। तो चलिए, मैं अभी किचन में चल रही हूँ, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मानवी को दे रही हूँ मोबाइल, वो वीडियो थोड़ा सा स्क्रिप्ट शूट करेगी, उसके बाद फिर मैं खुद ही हैंडल करूँगी। तो चलिए, आप लोग को मैं किचन में ले चलती हूँ बिना देर करते हुए, और लास्ट तक ज़रूर देख के जाइएगा, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा आपको रेसिपी की, और एक बार ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में, आप लोग को दिखाते हैं। आज मैं फिर से आप लोग को प्याज की पकौड़ी की रेसिपी बताऊँगी, बना रही हूँ। तो उस हमारे बिहार में ना इसे ऐसे पतला पतला लंबा लंबा काट के और सब कुछ मिला के कचड़ी बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ उड़ीसा में कुछ अलग स्टाइल का बनता है। तो फिर मैं इस तरह से आज आप लोग को बना के बताती हूँ। यहाँ पर मैं 3 प्याज को ले चुकी हूँ और एक तो कट कर दी हूँ, और इसको मैं किस तरीके से काटती हूँ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 प्याज ले ली थी, इसको धो के, और इसे एक एक करके मतलब अलग करना है। जैसे आप पनीर चिली बनाते हो तो एक एक करके प्याज का छोड़ा के अलग करते हो ना, ऐसे ही इसे भी करना है। यहाँ पर मानवी वीडियो शूट कर रही थी, थोड़ा ऊपर से कर दिया है, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा आप लोग। तो इसे ऐसे बारीकी बारीकी इसे छोड़ा के हाथ से और टुकड़ा टुकड़ा में काटना है। मैं काटने के बाद आपको फिर से दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। लेकिन बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनने वाली है, आप लोग ब्लॉग छोड़ के तो मत ही जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और एक बार जरूर ट्राई भी कीजिएगा। तो चलिए, मैं छोड़ा के फिर आपको दिखाती हूँ। मौसम भी ख़राब है तो अंधेरा भी लग रहा है हमारा, तो देख रहे हो आप लोग कितना बाहर में बारिश हो रही है, तो ऐसे मौसम में तो पकौड़ी आपको भी पता है जो कितना खाने का इच्छा होता है। तो अब ऐसे भी ठंडी का मौसम भी आ रहा है, बारिश जा रहा है, ठंडी आ रहा है, तो पकौड़ी हमेशा चलेगा, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कर लेना। तो चलो आगे की तरफ मैं देख सकते हैं। मैं सारे प्याज को ऐसे छोटा छोटा जैसे पनीर चिल्ली के लिए कट करके एक एक जावा छोड़ा के हटाते हैं, वैसे हटा ली इस साइज़ में, आप लोग देख सकते हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी नमक डाल के इसको मिक्स करूँगी, देखो कैसे काटी हूँ सबको। मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या क्या ऐड करने हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी काली मिर्च, जिसको मेथी हम लोग बोलते हैं, अब आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। उसके बाद मैं गोल मिर्च की पेस्ट को ऐड करूँगी, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल ऐड करना जितनी आपकी क्वांटिटी हो। और उसके बाद धनिया पाउडर ऐड की हूँ, फिर मैं इसमें थोड़ी सी मतलब हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं डाली हूँ, बच्चे भी खाएंगे, और हरी मिर्च तो कट करके बिल्कुल नहीं डाली हूँ, और हल्दी पाउडर सब ऐड कर दी। अब इसको मैं थोड़ी सी मिक्स मतलब हाथ से मिलाऊँगी, और उसके बाद इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी। आप लोग को पता ही है बेसन के बिना तो बनेगा नहीं हमारी पकौड़ी, तो यहाँ पर मैं बेसन भी ऐड कर दी हूँ। बेसन की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, और इसमें मैं क्रंची होने के लिए थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर नहीं समझते तो जो लोग अरारोट जानते हैं ना, वो मैं इसमें ऐड करूँगी अरारोट, ताकि हमारी जो पकौड़ी होगी वो क्रंची क्रंची इतनी टेस्टी बने ही ना, जो मैं बता नहीं सकती। आप लोग एक बार ट्राई तो ज़रूर ही करना। तो इसको चलो मैं पहले हल्के हल्के हाथ से पानी हल्की डाल के इसे मैं मिक्स करती हूँ, और फिर मैं इधर वॉयल गर्म करूँगी और इसे फ्राई करूँगी। तो एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट्स करके बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। पहले हम लोग गांव में ऐसे बनाते थे, थोड़ी सी हाथ पे ऐसे इकट्ठे करके और उसे तल लेते थे, तो उसकी टेस्ट थोड़ी अलग होती है। मैं उसकी भी रेसिपी यहां पे डाल रखी हूँ चैनल पे, और इसकी टेस्ट बिल्कुल अलग होती है, मैं बता नहीं सकती। इधर हमारी वॉयल गर्म हो रही है, और इसमें मैं देखो कैसे ऐसे इसको फैला फैला के एक एक करके इसमें मैं ऐड करती हूँ, देख लो
कितनी प्यारी बन के निकलेगी ना, तो सच में मैं बता नहीं सकती। बारिश के मौसम में पकौड़ी चाय, इसकी कुछ मज़ा ही अलग होती है। तो आप लोग देखो मैं कैसे बना रही हूँ, आप लोग मुझे बताना जो आप लोग ऐसे ही बनाते हो, या प्याज वाली जो बनती है उसको आप लोग क्या बोलते हो, कचड़ी बोल, हमारे बिहार में कचड़ी बोलते हैं, ठीक है, उड़ीसा में तो पकौड़ी बोलते हैं, प्याज की पकौड़ी। और आप लोग अपने तरफ क्या बोलते हो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, मुझे अच्छा लगेगा। तो इसे मैं डीप फ्राई करूँगी, अभी तल रही है हमारी, तल के रेडी हो रही है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बारिश के टाइम में कुछ गर्मा गर्म खाने को मिले। तो चलिए आप लोग देखो और इन्जॉय करो, और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। इतना हमारी देखो तल के निकल चुकी है इधर, और फिर जो मेरा बचा हुआ जो शेष रह गया उसे मैं अब डालूंगी। और देखो इधर बारिश भी झमाझम हो रही है, बारिश झमाझम हो रही है एकदम से बस क्या बताऊँ, बारिश अच्छा लगता है। आप लोग बताना, हमारे यूपी के लोग तो चाय के साथ इसे सर्व करते हैं, हमारे बिहार के लोग चावल दाल में सर्व करते हैं। देखो अभी मैं दोबारा टर्न जो छानी हूँ उसमें हरी मिर्ची भी छान के रखी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर खाना, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी पकौड़ी की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।